जी ये है गिफ्ट जो कि आया है मेरी एक स्टूडेंट की तरफ से। लेट्स ओपन इट। अच्छा जी, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये हज पे गई थी और इन्होंने मुझे याद रखा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इन्होंने मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, देखते हैं क्या है। एक मिनट, मैं पहले इसे खोल लूँ। बिस्मिल्लाह। ओके, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। चलें जी, जमजम का पानी और खजूर, इनका तो मुझे पता था कि ये तो लाजमी होंगी। जिन्होंने जिस वक्त इन्होंने मुझे मैसेज किया था मुझे पता चल गया था। थैंक यू सो मच सना फॉर दिस गिफ्ट। नाउ लेट्स ओपन दिस। क्या है भाई ये? ओहो, कस्टमाइज डायरी। क्या ये? एक मिनट। हाँ डायरी नहीं, माशाल्लाह सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या है? अच्छा जी, इनकी बैक साइड पे कुछ लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओ वाओ, माशाल्लाह डायरी कस्टमाइज, ये मेरा फेवरेट नाम है। अच्छा मतलब लाइक इन्होंने मेरा फेवरेट अल्फ़ाबेट वाला नाम इन्होंने मेरा इसमें कस्टमाइज़ करवाया है। थैंक यू सो मच सना अगेन। और मुझे भाई इस्मा जावेद ही नाम पसंद है, अस्मा नाम है खैर मेरा, बता मेरा नाम। थैंक यू सो मच सना। तो थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, जितना भी आपने मेरे लिए किया और आज के बाद जो मुझे याद रखा ड्यूरिंग हज, मुझे याद रखा उस सब के लिए थैंक यू सो मच। और बहुत 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 ज़्यादा मुबारक है, इस एज में आपने खाना कबाब को देखा, हज किया आपने, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुबारक आपको। अब मैं आपकी ये आज आपने लिखा है ये मैं पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है। मैंने आपके लिए भी दुआ की कि अल्लाह आपको अपने घर बुलाए, आमीन सुमामीन सुमामीन। और तमाम मुसलमानों को भी जो उमरा की सादत हासिल सादत दे, आमीन सुमामीन। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर ऑल साइलेंट प्रेयर्स, मे अल्लाह एक्सेप्ट योर ऑल साइलेंट प्रेयर्स एंड दुआज एंड कीप यू ऑलवेज हैप्पी एंड स्माइलिंग, योर स्टूडेंट सना तहरीन। थैंक यू सो मच। तुम्हारे अभी तक पुराने वाले जो फ्रेम्स हैं वो भी पढ़े हुए हैं मेरे पास। चलिए जी, अब ये नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। डियर मिस इस्मा, इस्मा यू ऑलवेज डिजर्व टू बी हैप्पी, आई होप सो एंड दैट यू कंटिन्यू टू स्प्रेड योर विजडम एंड गुड एनर्जी थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर मैनी ईयर्स टू कम। हैविंग अ टीचर लाइक यू हैज़ बीन द बेस्ट पार्ट ऑफ स्कूल, यू ट्रूली एन इंस्पिरेशन। मिस, मैंने आपसे बहुत कम टाइम पढ़ा लेकिन बहुत कुछ सीखा। आप बहुत अच्छी हैं लेकिन मिस आप हिजाब में ज़्यादा प्यारी लगती हैं। आप क्या बोलेंगे, आई लव हिजाब टू। वो कहते हैं ना जब इंसान थोड़ा दूर हो जाए दीन से या फिर इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में आ जाए तो वो इंसान अल्लाह को बहुत ही करीब से महसूस करता है, इफ़ उसके दिल में उसका ज़मीर ज़िंदा है। आप खुद को छुपा कर रखा करें, आप मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें और हिदायत के लिए भी दुआ करें, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं आप, और अमल के लिए भी दुआ करें। कुछ ऐसा हो जाए कि बस मैं वैसी हो जाऊँ जैसे अल्लाह पाक चाहता है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी सॉर्ट आउट हो जाए, आमीन से। इंशाल्लाह एक टाइम तय है जब ये चीज़ें होनी हैं, मुझे भी पता है कि ये चीज़ें होनी हैं, इंशाल्लाह एक टाइम है। ये इंसान की फितरत जो होती है ना वो बहुत अलग चीज़ होती है। तो मेरे दिल का हाल मेरा अल्लाह जानता है। ओके ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पैरा। आप मेरी ज़िंदगी की एक खूबसूरत याद हैं और मैं कभी आपको नहीं भूल सकती, मैं हमेशा आपको याद करूँगी और इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में शरीक करूँगी। मैं कभी वो हैं अपने दिल की बात नहीं कर सकती लेकिन यू आर वन ऑफ माई रोल मॉडल। थैंक यू सो मच, क्या बोलूँगी, हमेशा मुझे याद रखने के लिए थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम भी याद रखा, इस टाइम भी याद रखा, हमेशा मतलब हर चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। और स्माइल लाने के लिए उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, हज की मुबारकबाद और बहुत कामयाबियाँ दे मेरे लिए, इसी तरीके से दुआ। थैंक यू सो मच, ये जो भी आपने लिखा है आपके अल्फाज उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। जो जो आपने दुआएं मेरे लिए मांगी हैं, अपने लिए मांगी हैं, सबके लिए मांगी हैं, अल्लाह ताला कबूल करें, आमीन सुमामीन। हज की एक बार दोबारा मुबारकबाद मैं दे रही हूँ और थैंक यू सो मच। मैं और क्या बोलूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू।